सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भी दोनों देशों का आमना सामना हो रहा है। चीन के साथ एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हिस्सा लेंगे। ये बैठक वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच ये बैठक बेहद खास है, क्योंकि भारत के एनएसए अजीत डोवल और चीन के एनएसए यांग जिएची आज आमने सामने होंगे। इस बैठक की मेजबानी रूस कर रहा है। रूस की तरफ से आयोजित बहुपक्षीय बैठकों में भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच ये इस महीने की चौथी बैठक होगी। इससे पहले ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग और उसके बाद मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के दौरान रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में भारत और चीन के एनएसए के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर कोई बातचीत होगी या नहीं, इस पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि मामले के जानकार बताते हैं कि इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ उसी मुद्दे पर बात होगी जिसका एजेंडा पहले से तय है। हालांकि भारत और चीन दोनों पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि सीमा तनाव को लेकर वो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को शामिल नहीं करेंगे। इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लिया था, जहां इन देशों के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए थे। इसकी अगली बैठक अक्टूबर में होगी, लेकिन कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।